भाजपा के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने पर उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभाष सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि राजभर के खिलाफ गोपालगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर मऊ जनपद में धोसी विधानसभा क्षेत्र के फतेहपुर ताल नरजा गांव में रविवार को आयोजित कार्यक्रम सम्मेलन में भाजपा नेताओं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। इस बीच ओम प्रकाश राजभर ने मुकदमा दर्ज होने पर तीखा हमला बोला है। राजभर की पार्टी ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार राजभर की आवाज दबाना चाहती है। प्रदेश की मौजूदा सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री रह चुके राजभर ने कथित तौर पर कहा था कि जब मैं भाजपा के नेताओं को देखता हूं तो मेरा खून खोल उठता है और मेरा मन करता है कि मैं उनका सर कलम कर दूं। जिस तरह से महाराजा सोहेलदेव दुश्मनों का सिर कलम किया करते थे। सुबह सपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने मुकदमा दर्ज करने पर मंगलवार को तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार सुबह सपा अध्यक्ष राजभर की आवाज दबाना चाहती है। SPN9 न्यूज के लिए मैं ब्रह्मांश यादव। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।